Hey friends, hello. I welcome you once again in my YouTube channel, Health Consultant. And today's topic is very good and very important. और दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर अली अनवर कुरैशी. और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्रिप्शन का सब्सक्राइब का रेड बटन ज़रूर देखें, उसको दबाएं, उसके बाजू का बेल आइकन भी दबाएं हमारे वीडियोस की जानकारी समय पहले हासिल करने के लिए फ्रेंड्स. तो फ्रेंड्स, आज का जो एक इंजेक्शन है, उस इंजेक्शन का मैं आपको एक बहुत ही अच्छा एक इंजेक्शन है उसकी जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूँ, इंजेक्शन लैसिक्स. तो दोस्तों, इंजेक्शन लैसिक्स का जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ, उसमें लैसिक्स का कंटेंट क्या होता है अगर आपको पता हो गया तो इसका कंटेंट है फ्रूसेमाइड. और फ्रूसेमाइड जो है ये एक किसका कैटेगरी है, इसको बोलते हैं ये लैसिक्स जो ग्रुप है या फ्रूसेमाइड जो ये कंटेंट है डायोरेटिक ग्रुप्स में है, ये इंजेक्शन होता है फ्रेंड्स. और आज इसकी इतनी अच्छी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ फ्रेंड्स कि आप जो है इस वीडियो को देखने के बाद लैसिक्स इंजेक्शन को कभी नहीं भूलेंगे. और लैसिक्स इंजेक्शन जो है, ये जैसा इंजेक्शन है फ्रेंड्स, वैसा इसका जो है टैबलेट भी मिलता है फ्रेंड्स. तो बात करते हैं सब में कि डायोरेटिक ग्रुप है. तो डायोरेटिक ग्रुप मतलब क्या, जब कोई व्यक्ति को हम ये इंजेक्शन देते हैं तो उसको पेशाब बहुत ज़्यादा होता है, यूरिन बहुत फास्ट हो जाता है. तो बॉडी में कहीं भी प्रॉब्लम हो, यूरिन अगर फास्ट निकल जाए तो बॉडी जो है रिलैक्स हो जाए. तो ऐसा ये डायोरेटिक ग्रुप है फ्रेंड्स. और ये डायरेटिक ग्रुप में एंटी हाइपरटेंसिव ग्रुप में इसको रखा गया है. जब बीपी बढ़ता है तभी भी देते हैं, किडनी का प्रॉब्लम है तभी भी देते हैं, दम लगता है, वॉल का प्रॉब्लम है, अस्थमा है, सीओपीडी है, हार्ट का प्रॉब्लम है, एलवीएफ है, ऐसे सभी प्रॉब्लम में ये डायरेटिक ग्रुप का लैसिक्स इंजेक्शन एक फिनामिनल यूज है फ्रेंड्स. डेफिनेटली बीपी जिसका बढ़ा है उसमें तो पेशाब के ज़रिए ये बीपी का पावर को कम करता है, लो करता है, क्योंकि सोडियम को ये वॉश आउट कर देता है फ्रेंड्स. तो ये बीपी को भी कंट्रोल करता है. तो डायोरेटिक ग्रुप जो है इसमें और क्या कंटेंट है, एक तो है फ्रूसेमाइड, दूसरा आता है टॉर्सेमाइड और हाइड्रोक्लोरथाइजाइड और दूसरे दो तीन कंटेंट हैं, उसके बारे में हम टाइम टू टाइम बात करेंगे. फ्रूसेमाइड, टॉर्सेमाइड, हाइड्रोक्लोरथाइजाइड, ये लैसिक्स का डायोरेटिक ग्रुप में आते हैं. और ये लैसिक्स का जैसा आप देख रहे हैं ये 4 ml का एम्पुल है, तो इसका 2 ml का भी एम्पुल मिलता है फ्रेंड्स. तो सब में इम्पॉर्टेंट है 1 ml ऑफ लैसिक्स इंजेक्शन का फ्रूसेमाइड कितना कंटेंट है, 10 mg. तो 2 ml में 20 mg, 4 ml में 40 mg. तो स्टैंडर्ड डोज जो है एडल्ट का है वो 20 mg का डोज है. बट हम अकॉर्डिंग टू कंडीशन इसको वापरते हैं, 2 एम्पुल भी देते हैं, 3 एम्पुल भी देते हैं कभी कभी, और कभी कभी हाफ एम्पुल भी दे देते हैं. तो जैसे बताया मैंने, इसका यूज़ जो है हाइड्रोथेरेपी में भी होता है. मैंने एक किडनी स्टोन का वीडियो बनाया था फ्रेंड्स, तो उसमें मैंने हाइड्रोथेरेपी नाम का एक कंसेप्ट बताया था, जिसमें हम फ्लूइड्स का ओवरलोड करते हैं बॉडी में और उसके साथ इंजेक्शन लैसिक्स को दे देते हैं, फ्रूसेमाइड को, जिसकी वजह से जो है स्टोन वॉश आउट हो जाता है, स्टोन बाहर निकल कर भाग जाता है, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोथेरेपी फ्रेंड्स. तो उसी तरीके से जब किडनी फेलियर का कोई पेशेंट है जिसका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है और जो डायलिसिस पे भी रहता है कभी कभी, या जिसका किडनी एक्यूट किडनी फेलियर है, एके जिसको हम सीआरएफ या एक्यूट किडनी फेलियर एकेएफ जिसको हम बोलते हैं, उसमें भी हम लैसिक्स इंजेक्शन का ड्रिप भी लगाते हैं कभी कभी, तो कंटिन्यू उसको हम दिन रात लैसिक्स का इंजेक्शन भी लगा के छोड़ देते हैं फ्रेंड्स, कि उसका जो है किडनी प्रॉपरली वर्क करे, उसका यूरिन आउटपुट अच्छा आ जाए, पेशाब अच्छा आ जावे और उसका बॉडी जो है रिलैक्स हो जावे, बीपी कम हो जावे. तो उसकी वजह से हम जो है ये लैसिक्स इंजेक्शन हम पेशेंट को देते हैं फ्रेंड्स. अस्थमा और सीओपीडी के पेशेंट में जब हम लैसिक्स इंजेक्शन का वापर कर रहे हैं तो वहाँ पर हमारा जो मेन कंसर्न है कि किडनी का और जीआई ट्रैक्ट का लोड कम हो और जो है चेस्ट का लोड कम हो, उसकी वजह से हम जो है ये लैसिक्स इंजेक्शन वापरते हैं. और जहाँ पर अस्थमा और सीओपीडी में जहाँ पर टैकिकार्डिया या कभी कभी बीपी भी बढ़ा हुआ होता है, हार्ट रेट कम होता है, बीपी कम हो जाता है, और एज ऑफकोर्स एलवीएफ, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, वॉल फंक्शन, वॉल डिस्टर्बेंस, वॉल का प्रॉब्लम है,
हार्ट का प्रॉब्लम है, बीपी का प्रॉब्लम है और एमआई कार्डियक अरेस्ट भी जब है तभी भी हम लैसिक्स इंजेक्शन देते हैं फ्रेंड्स। एंजाइना, स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना में लैसिक्स इंजेक्शन वापरा जाता है। तो लैसिक्स इंजेक्शन का फिनामिनल ऐसा यूज़ है फ्रेंड्स। खाली हमें बात एक ही ध्यान रखना है, लैसिक्स इंजेक्शन वापरते हुए बीपी मेंटेन रहना चाहिए। जिसका बीपी कम है, जिसे हाइपोटेंशन है, उसे लैसिक्स इंजेक्शन नहीं देते हैं। खाली बीपी को मेंटेन रख के लैसिक्स इंजेक्शन वापरना है। तो इतना बेहतरीन फिनामिनल ये इंजेक्शन है और ये सभी पेशेंट में कारगर है। डायरेटिक ग्रुप में आता है, नॉट एंटी डायरेटिक। एंटी डायरेटिक मतलब पेशाब को कम करना है और डायरेटिक मतलब पेशाब को बढ़ाना है। तो यूज़ मैंने बताया फ्रेंड्स। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगे। इसके बाद आपको लैसिक्स का यूज़ किस किस कंडीशन में होता है ये बोलने की गरज नहीं पड़ना चाहिए। तो वंस अगेन रिमाइंडर, बीपी, अस्थमा, सीओपीडी, वॉल प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, ईएमआई, चेस्ट पेन, एंजाइना, किडनी में आते हैं, किडनी प्रॉब्लम, एकेटी, एक्यूट किडनी फेल्यूर, सीआरएफ, क्रॉनिक किडनी फेल्यूर, किडनी स्टोन, हाइड्रोथेरेपी, इन सभी कंडीशन में हम लैसिक्स का वापर करते हैं फ्रेंड। होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। तो इसको लाइक करो वीडियो को शेयर करो और सब्सक्राइब कर रेड बटन दबाओ। और एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे जाके क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन करो। थैंक यू।